अभी अभी आप क्या कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर किस तरीके से अपनी प्रोफेशन? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ बिहार में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एज ए डिप्टी कलेक्टर पोस्टेड इन दरभंगा। दरभंगा में पोस्टेड हूँ। और उसी मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अगर हम सिलेबस वाइज देखें तो क्या पूछा गया था सर उसके मोस्टली मेरे जॉब से था और कुछ करेंट इशूज भी थे जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से था, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। हम लोग फ्यूल सेल पे क्यों इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना सोलर और विंड, ये सब क्वेश्चंस था मोस्टली। ओके मोस्टली। रिसा आईएएस की ओर से आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। रिसा आईएएस का मूल मंत्र है फॉर द आईएएस बाय द आईएएस, दैट इज रिसा आईएएस। ये इंस्टीट्यूट, ये कोचिंग सेंटर आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा चलाई जा रही है। इसको ज्वाइन करें, जो इकलौती कोचिंग है पूरे देश में जो आईएएस ऑफिसर्स इसको हेड कर रहे हैं एज ए फैकल्टी, एज ए फाउंडर, कि हमें जो है रिन्यूएबल एनर्जी और उस की ओर जाना चाहिए रेदर देन फॉसिल्स फ्यूल, जो कोल और फॉसिल्स जो जीवाश्म होते हैं उस उसके उपयोग से। तो बात तो सही है कि सोलर एनर्जी के कुछ लाभ हैं कुछ नुकसान हैं। तो ये चैप्टर इसलिए अच्छा लगा न्यूज़ कि बेस्ट ऑप्शन सोलर एनर्जी नहीं है देश के लिए, वो ये बता रहा है। जनरेशन को नहीं छोड़ना चाहिए और प्रीमियम मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए क्या सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ना संपूर्णतः न्यायोचित है क्या।